और इसी बीच जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर जो सेवा अभियान की शुरुआत हो रही है उसी में संबोधित कर रहे हैं। दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित ही है। एक निर्वाचित प्रमुख के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्षों का लंबा अविरल कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के प्रति समर्पित रहा है। सबके प्रयास को साथ लेकर जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। धारा 370 का धाराशाही होना, ट्रिपल तलाक पर बैन लगना, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होना, आतंकवाद पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना और देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देना, हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाना, मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता उपलब्ध कराना, देश के 80 करोड़ लोगों को कोविड संक्रमण में उसके बाद मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, हर गरीब के घर देना, हर घर को में पानी, बिजली, गैस और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ऐसे न जाने कितने कार्य हैं जो पिछले 7 सालों में उनके अथक परिश्रम से ही संभव हुए। दृढ़ इच्छा शक्ति, जन सेवा की भावना और कारगर रणनीति के जरिए उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर यह बात सिद्ध कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है। हम सब लोग जानते हैं, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है। मैंने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बताती हैं। कठोर परिश्रम करना, स्पष्ट दृष्टि रखना और जनता की भलाई के लिए समर्पित रहना उनका स्वभाव है। उनसे हम सब को देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है और देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों को इस राह पर आगे बढ़ने के लिए विवश होना पड़ा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। वे हर भारतवासी के दिल में रचे बसे हैं। वे देशवासियों को हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाले आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी हैं। उनकी एक आवाज़ पर संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर लक्ष्य को साकार करने के प्रति तत्पर हो जाता है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनके बेदाग सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है जिसका एक ही उद्देश्य है, जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित कर दें। हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करना चाहिए। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि वे आपको लंबी आयु दें, आपको स्वयं स्वस्थ रखें, ताकि आप इसी तरह आने वाले लंबे समय तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देते रहें और भारत को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाते रहें। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और सदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर की गई है। 20 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। जेपी नड्डा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे एकजुट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसानों के खातों में जो पैसे गए वो उन्हीं की कोशिश थी जो रंग लेकर आई है, और साथ ही संगठन को मजबूत करना और सिर्फ देश की जनता को प्राथमिक देना, ये सपना प्रधानमंत्री का रहा है। इस संबोधन में और भी बहुत सारी बातें, अभी तक जो प्रधानमंत्री द्वारा बड़े फैसले लिए गए उनका जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं पार्टी संगठन की तरफ से पीएम को दी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।